अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू उर्दू गर्ल्स। व्यूवर्स, आज मैं आपको बॉक्स प्लेट फ्रॉक तैयार करना सिखाऊंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बॉक्स प्लेट डाल रही हैं तो इस मेथड को फॉलो करते हुए आप बहुत इजीली बॉक्स प्लेटेड ड्रेस तैयार कर सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, इस फैब्रिक से मैं फ्रॉक तैयार करूँगी और इस शर्ट से मेजरमेंट करूँगी। व्यूवर्स, ये फ्रॉक मैं टीनेजर के लिए तैयार कर रही हूँ। तो पहले हम फ्रॉक के लिए लंबाई मेजर करेंगे। यहाँ नेकलाइन से स्टार्ट करते हुए लेंथ मेजर करें। लेंथ 33 इंच है। एम्ब्रॉयडरी नीचे दामन पर आएगी और अब मैं कपड़े पर टोटल लेंथ 35 इंच लूँगी। अब कपड़े को चौड़ाई में रखें। फ्रॉक का घेर मैं कपड़े के मुताबिक 35 इंच लूँगी। आप कपड़े के मुताबिक 1-2 इंच ज़्यादा या कम भी कर सकती हैं। अब इसी चौड़ाई के मुताबिक कपड़े को डबल करके रखें और फ्रॉक की फ्रंट और बैक साइड कटिंग करें। व्यूवर्स, मैंने फ्रॉक की फ्रंट और बैक साइड की लंबाई और चौड़ाई अलग कर ली है। अब सिर्फ फ्रंट साइड का कपड़ा लें और इसे लंबाई में डबल करके रखें। अच्छी तरह से प्रेस करके सेंटर लाइन बनाएं। अब कपड़ा खोल कर रखें। सेंटर लाइन पर इंचेस टेप रख कर कमर तक की लंबाई मेजर करें। नॉर्मल हाइट पर कमर तकरीबन 15 इंच पर आती है। अगर हाइट ज़्यादा हो तो 16 इंच पर मार्क करें। सेंटर लाइन की साइड्स पर 2.5 इंच का मार्क करें। सेंटर लाइन की दूसरी तरफ भी 2.5 का फासला रखते हुए मार्क करें और इस मार्क को कमर के मार्क तक लाइन खींच लें। अब इस लाइन से कपड़ा उठाएं और इस तरह से सेंटर लाइन पर कपड़ा रखकर प्रेस करें। अगर चाहें तो पूरी लंबाई तक इसी तरह प्रेस करें। हम बॉक्स प्लेट को सिर्फ 15 इंच तक ही सिलाई लगाकर बंद करेंगे। नीचे से प्लेट ओपन हो जाएंगे। व्यूवर्स, ख्याल रहे कि ये दोनों साइड के प्लेट एक दूसरे के बराबर पर आएं। ऊपर नीचे कपड़ा नहीं रखना। अब मज़ीद आसानी के लिए आप इस तरह से पिनअप करें। थोड़े थोड़े फासले से कमर तक पिनअप करें। इसी तरह दूसरी साइड से पिनअप करें। ये हमारा एक बॉक्स प्लेट बना है। अब यहाँ सेंटर लाइन से 3 इंच का फासला रखते हुए मार्क करें। ये 3 इंच का गैप एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक का है। अब 2.5 इंच पर मार्क करें। अब एक और मार्क 2.5 इंच पर लगाएं और इस मार्किंग के मुताबिक लाइन ड्रा करें। व्यूवर्स, अब दूसरे प्लेट के लिए ये हमारी सेंटर लाइन है। अब ये साइड की लाइन से कपड़ा उठाएं और सेंटर लाइन पर रखकर प्रेस करें। इसी तरह दूसरी साइड से कपड़ा उठाकर सेंटर लाइन के बराबर रखकर प्रेस करें। अब दोनों साइड से पिनअप करें। व्यूवर्स, अब ये दो बॉक्स प्लेट तैयार हुए हैं। एक बॉक्स प्लेट का गैप दूसरे से 3 इंच का है। अब हम एक प्लेट राइट साइड पर बनाएंगे। तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट का फासला 3 इंच मार्क करें। अब इस मार्क से 2.5 इंच के गैप पर मार्क करें। अब इस मार्क से नेक्स्ट मार्क भी 2.5 इंच पर लगाएं। अब 3 इंच का फासला छोड़ते हुए इस लाइन को सेंटर लाइन पर लाएं। दूसरी साइड की लाइन को भी सेंटर लाइन के बराबर लाकर प्रेस करें। यहाँ से भी पिनअप करें। व्यूवर्स, शर्ट की फ्रंट साइड पर मैंने तीनों बॉक्स प्लेट्स प्रेस करके पिनअप कर लिए हैं। अगर आपके पास घेर में कपड़ा ज़्यादा है,
और चेस्ट का साइज़ पूरा हो रहा है तो आप साइड्स पर एक एक प्लेट और भी डाल सकती हैं। पहले मैंने सेंटर का प्लेट डाला है, फिर लेफ्ट साइड पर एक प्लेट बॉक्स कंप्लीट किया, फिर राइट साइड का प्लेट डाला। यहाँ कमर के मार्क तक हम सिलाई लगाकर बंद करेंगे। ये देखिए प्लेट की दोनों साइड्स एक दूसरे के आमने सामने बराबर होनी चाहिए। अब हम प्लेट्स डालने के बाद सिर्फ चेस्ट की मेजरमेंट करके चेक करेंगे कि प्लेट डालने के बाद चेस्ट की मेजरमेंट पूरी हो जाएगी। चेस्ट 18.5 इंच है। अब कपड़े पर मेजर करें, यहाँ से चेस्ट मेजर करें। व्यूअर्स, यहाँ से कपड़ा पूरा 18.5 इंच है, जबकि अभी हमें कटिंग भी करनी है और कपड़ा स्टिच में भी जाएगा, तो इसके लिए भी मैं आपको साइड्स पर जॉइंट लगाना बताऊंगी। तो पहले अब हम प्लेट की सिलाइयाँ लगाएंगे। इस एक साइड की किनारी पर सिलाई लगाएं। अब नीचे से टर्न करते हुए दूसरी साइड पर आ जाएं और इसी तरह किनारी पर सिलाई लगाएं। अब इसी तरह दूसरे प्लेट पर आ जाएं और सिलाई लगाएं। व्यूवर्स, ये देखिए बॉक्स प्लेट्स कंप्लीट हैं। व्यूवर्स, मैंने फ्रॉक की बैक साइड पर भी सेम इसी मेजरमेंट से तीन प्लेट्स बनाए हैं। आप चाहें तो बैक साइड सिंपल भी रख सकती हैं। अब फ्रॉक की दोनों साइड्स को लंबाई में ऊपर नीचे डबल करके रखें। और शर्ट से शोल्डर की मेजरमेंट करें। 14 इंच है तो कपड़े पर तकरीबन 15 के मुताबिक 7.5 इंच पर मार्क करें। आर्म होल मेजर करें, 9 इंच है। व्यूअर्स, ये शर्ट थोड़ी लूज़ है इसलिए मैं आर्म होल 8.5 इंच रखूँगी। 8.5 इंच पर मार्क करके स्क्वायर बनाएं। चेस्ट 18.5 इंच है, 9.2 इंच पर मार्क करें। यहाँ कॉर्नर से 1.5 इंच लें और इस तरह से गुलाई करें। ऊपर शोल्डर से 1 इंच पर तिरछा मार्क करें। अब आर्म होल की कटिंग करें। यहाँ से मैं कटिंग करके कपड़ा बैलेंस करूँगी और ये आर्म होल वाली कटिंग यहाँ ज्वाइंट में यूज़ होगी। यहाँ पर इस तरह से चेस्ट के बराबर कपड़ा सेट करके रखें। व्यूअर्स, कपड़ा 4 तह में है, हमें सिर्फ चेस्ट का साइज़ पूरा करना है। आर्म होल से कमर तक का गैप 5.5 इंच रखें। कमर मुझे 16 इंच रखनी है इसलिए 8 इंच पर मार्क करें। आप चेस्ट और कमर का मार्क अटैच करें। अब यहाँ कमर से आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ तिरछी शेप दें। हम कटिंग की शेप देते हुए एक्स्ट्रा ज्वाइंट का कपड़ा कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, देखिए बहुत नीटली हम ये ज्वाइंट लगाएंगे कि ज्वाइंट नज़र नहीं आएगा। अब सिर्फ फ्रंट साइड से आर्म होल की डीप कटिंग के लिए यहाँ फिटिंग के मार्क से स्टार्ट करते हुए कॉर्नर में डीप करें और फिर ऊपर की तरफ कटिंग कम करते जाएं। अब सिर्फ फ्रंट साइड का शोल्डर 1 इंच मज़ीद कटिंग करेंगे। अगर आपको शर्ट या नेकलाइन पीछे की तरफ जाने का प्रॉब्लम नहीं होता तो हाफ इंच की कटिंग भी काफ़ी होगी। अब दूसरी साइड पर भी फिटिंग की मार्किंग करें। व्यूअर्स,
व्यूअर्स, हमारी कटिंग कंप्लीट है। अब बुकरम पर नेकलाइन की कटिंग करेंगे। बुकरम को डबल करें, 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क करें, लंबाई 3.5 इंच रखें और स्क्वायर बनाएं। अब गुलाई करें। अब नीचे कट के लिए मज़ीद 2 इंच की लंबाई मार्क करें। यहाँ से 1/2 इंच रखें और इस तरह तिरछा निशान लगाएं। अब बाहर से बुकरम 1 इंच छोड़ते हुए कटिंग करें। व्यूवर्स आइए अब स्टिच करते हैं। तो पहले हम ये चेस्ट साइज को पूरा करने के लिए जॉइंट स्टिच करेंगे। जिस तरह से कपड़ा सेट करके कटिंग की थी उसी शेप में साइड्स पर जॉइंट स्टिच करें। अब दूसरी साइड का जॉइंट लगाएं। व्यूवर्स ये देखिए जॉइंट मैंने लगा लिए हैं। अब इस तरह से फ्रॉक की फिटिंग की शेप बहुत अच्छी बन जाएगी। व्यूवर्स ये एक्स्ट्रा कपड़े पर मैंने नेक लाइन पेस्ट किया है और फोल्डिंग का कपड़ा छोड़कर कटिंग किया है। अब नेक लाइन को साइड से फोल्ड करें। डबल करके सेंटर में कट लगाएं। फ्रॉक की भी फ्रंट साइड पर सेंटर में कट लगाएं और इस तरह से कट बराबर रखते हुए नेकलाइन स्टिच करें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पिन अप ज़रूर कर लिया करें। अब कटिंग करें और हल्के कट लगाएं। नेकलाइन को अंदर की तरफ पलट कर प्रेस करें और बाहर 1 फुट के फासले पर सिलाई लगाएं। शोल्डर स्टिच करें। बैक नेक लाइन की कटिंग के लिए इस तरह कपड़ा डबल करें। फ्रंट नेक से 2 पॉइंट पर मार्क करें। लंबाई 2.5 इंच रखें। स्क्वायर बनाएं, कॉर्नर से तकरीबन 1 इंच लें और इस तरह गुलाई करें। व्यूवर्स बहुत से कमेंट्स होते हैं कि बैक नेक लाइन ठीक से नहीं बनता, तो आप इस तरह से स्क्वायर बनाकर कटिंग किया करें। अब एक्स्ट्रा कपड़ा डबल करके रखें और कटिंग में से निकला हुआ पीस ऊपर रखकर मार्क करें और कटिंग करें। इस तरीके से बैक नेक लाइन बनाने में आपको बहुत आसानी रहेगी। आप इस तरह से ऊपर रखकर स्टिच करें। गुलाई में कट लगाएं और कपड़ा बाहर की तरफ करते हुए 1 सिलाई लगाएं।
अब ये पीछे की तरफ खुद ब खुद फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से फोल्ड करते हुए चाहें तो तरपाई करें या सिलाई लगाएं। आप फिटिंग की सिलाई लगाएं। ये स्लीव्स मैंने ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं। स्लीव्स अटैच करें और नीचे से घेर फोल्ड करें। व्यूअर्स, बॉक्स प्लेटेड फ्रॉक तैयार है। नेकलाइन के साथ मैंने ये लटकन लगाए हैं, आप चाहें तो बटन भी लगा सकती हैं। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें और उर्दू गर्ल्स ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।